आजकल के नौजवानों को पता नहीं क्या हो गया, हर चीज में लेट। आपकी जल्दबाजी में अगर मैं गिर गया होता तो फिर क्या होता? भाई साहब, जब हम दोनों घर से भाग रहे हैं तो क्या प्लान करके भागेंगे? हाँ, बात करते हैं। घर से भाग कर आए हो, लेकिन क्यों? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमारे घर वाले शादी के लिए राजी नहीं है, इसलिए भाग लिए। तो पक्के आशिक निकले? और नहीं तो क्या, हम जब इश्क करते हैं तो टूट कर करते हैं बॉस, और देखने वाले रश्क करते हैं। अर्ज है, हमारा इश्क है एक बुलेट, हमारा इश्क है एक बुलेट, जिसके सहारे हम गाते हैं प्यार का डुएट। वाह 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 वाह, थैंक यू। उस लड़की के लिए तो जान हाजिर है। कल तो आप मंदिर में बड़े दिए जला रही थी, लेकिन यहाँ पर आप मेरा दिल जला रही हैं। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। हेलो, हर चमकती हुई चीज जैसे सोना नहीं होती, वैसे आंखों से देखी हुई हर चीज सच नहीं होती, समझ में आया? एंड बाय द वे, ये ग्लास मैं अपने लिए नहीं, किसी और के लिए रेडी कर रही हूँ। किसी और के लिए? कौन है वो खुशकिस्मत? नाम है मेरा झनकार, हूँ मैं एक शानदार फनकार। अब फनकार होने के नाते पीना तो बनता है ना, लेकिन सोनी कुड़ियों के आगे पीना अच्छी बात नहीं है। मैं जरा कोना खोपचा पकड़ता हूँ तुम लगे। एक्सक्यूज मी मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, मैं पीऊँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, लड़कियाँ नहीं पी सकती क्या? लड़कियाँ लड़कों के बराबर हैं, उनके टक्कर की हैं बिल्कुल। माना आजकल लड़कियाँ पीती हैं, इट्स ओके, पर अगर तुम पियोगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और वो क्यों? अब क्या बताऊँ, तुमसे पहली नजर में ही प्यार कर बैठा मैं। अब तो तुम सिर्फ हमारी और हम सिर्फ तुम्हारे। यार अपना तो नेचर ही ऐसा है कि एक बार किसी को दिल दे दिया तो बात खत्म, उसके बाद तो मरते दम तक निभाते हैं। और नहीं तो क्या, हम तुम लड़कियों जैसे थोड़ी हैं कि एक पल में ये दूसरे पल में वो, हम पार्टी नहीं बदलते। देखो मेरी इस बात को मजाक में मत लेना, सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे दिलो जान से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। अरे रोमियो, बकवास बंद। मेरा सिर्फ नाम ही झनकार नहीं है, मैं बजा भी सकता हूँ गिटार, सितार और तेरी जिंदगी का तबला भी। अगर तूने इसकी तरफ एक आंख भी उठाकर देखी ना तो मैं तेरे सारे तार हिला दूंगा। चला अरे अरे, एग्जिट की जगह ये खंबा किसने लगा दिया? सारे पीवी उतार दी। ओहो, ये बारिश तो मुझ जैसे धोती पहनने वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नीचे पहले ही एसी चल रहा है और इस बारिश के मौसम में टेम्परेचर और डाउन हो गया है। कहीं ऐसा ना हो इस ठंड की वजह से मेरी झनकार बेकार हो जाए। अरे छोड़ो, तुम्हारी ये गोल मोल सी बातें मेरी समझ में नहीं आती। अरे रे रे, मैं समझा भी नहीं सकता, उसके लिए कुछ कुछ होना चाहिए। जरा सुनिए, ये तकरार कहाँ से आ गया इस वक्त? तुम्हारी जिंदगी के शुरू में ये बेसुरा कहाँ से फिट होगा? जब तक झनकार तुम्हारे साथ है, तुम जमाने को इनकार कर सकती हो। मेरे बारे में बात कर रहे हो? अरे मेरे बेसुरे, अब बताओ ना मेरे बारे में क्या कह रहे थे। सुनेगा? बता दूँ? सुनकर तेरे सारे तार हिल जाएंगे। चलो तुम्हें मुफ्त की एक सलाह देता हूँ, अगर तुमने इसके साथ सुर मिलाए तो तुम्हारी जिंदगी का तबला बज जाएगा। कौन बजाएगा? वो नहीं नहीं, अब वो मैं नहीं बता सकता। क्यों जी, क्या बात है, आजकल दिखाई नहीं देती। मैं तुम्हारी तरह खाली नहीं हूँ। अच्छा, वैसे खाली तो मेरी खोली भी है, साथ चलोगी क्या?
अपने बारे में इतनी बड़ी गलत फहमी पाली है। बात ऐसी है कि अगर कॉन्फिडेंस होगा तभी तो कुछ बात बन पाएगी, क्योंकि मैंने चट मंगनी, पट शादी और बच्चों तक की प्लानिंग कर ली है, तो टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। हाँ? ये तो बड़ा चालू इंस्ट्रूमेंट है, सीधे शहनाई बजा रहा है। हाँ, इसका तार तो बीच में ही काटना पड़ेगा। मैं ये कह रहा था कि पापा वेट कर रहे हैं घर पे, चलो जल्दी। अजी कहाँ जा रही हो जी? आई एम सॉरी, पर मुझे तुम्हारा नाम तो जानना ही पड़ेगा। किस लिए? अब तुम मेरी बीवी बन रही हो तो अच्छा होगा मैं तुम्हारा नाम जान लूं, वरना ए जी सुनो जी ऐसे कह के तुम्हें बुलाना पड़ेगा। है, नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं ही गेस कर लेता हूँ। दामिनी, कामिनी, मधुमती, सत्यवती, फूलमती। फिर गई है तेरी मती। बंद करिए बकवास, इसका नाम है बहुत ही खास, मानसी। मानसी, अच्छा नाम है। हेलो, तेरा नाम क्या है? माधव कुमार, वैसे प्यार से लोग मुझे माधव भी कहते हैं। माधव और मानसी, ऐसा लग रहा है इन दोनों के सातों सुर सेट होने वाले। सुनो, मैं कह रही हूँ मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं पीछा करना नहीं चाहता, मैं तो आगे चलना चाहता हूँ, बस तुम एक बार हाँ कह दो। मैं ये कह रहा था कि पापा गुस्सा होंगे, जल्दी घर चलो। सुना ना, पापा देंगे लाफा। खा लूंगा। वैलेंटाइंस डे नहीं है। अरे वो तो मैं भी जानता हूँ कि आज वैलेंटाइंस डे नहीं है मानसी, पर क्या फर्क पड़ता है, सच्ची मोहब्बत करने वालों के लिए तो हर दिन वैलेंटाइंस डे होता है। जब तुम्हारा दिल करे तब वैलेंटाइंस डे मना लो। हट, ये तो बिल्कुल ही पागल है। अरे मानसी, दोबारा अगर मेरा नाम पुकारा ना, मार डालूंगी तुम्हें। अरे जिससे सच्ची मोहब्बत होती है ना, अगर उसका नाम एक बार भी प्यार से ले ले तो ऐसा लगता है जैसे जन्नत की सैर कर ली। उसे एक नाम में पूरी बोतल का नशा होता है, किक मिलती है किक। ओ, अच्छा। हाँ। अच्छा छोड़ो, कहाँ जा रही हो? मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ, चलोगे मेरे साथ? क्या बात है, साथ मरने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। पता है जब हम लोग मर जाएंगे ना तो लोग हमें लैला मजनू की तरह याद करेंगे, शायद हमारी याद में भी एक बड़ा सा ताजमहल बन जाए, हम कितने फेमस हो जाएंगे। नहीं चल, चलो जल्दी मर जाते हैं। कौन केस? ए पलट, ए पलट, चल भाग। ए, वो देख वहाँ ऊपर। कहाँ? वहाँ। असली ड्रामा तो वहाँ चल रहा है। आपस में बांट। क्या जमाना आ गया है, पैसा मिलते ही लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। थु 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 थु। अभी तो हमारी शादी भी कंप्लीट नहीं हुई। यार ये साइको तो यहाँ भी आ गया। तुम दोनों को जो करना है करो, हम तो जा रहे हैं यहाँ से। चलो यहाँ से। ए, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? फैंसी ड्रेस में जा रहे हो? फैंसी ड्रेस नहीं, आज तो मैं अपनी जिंदगी का कंपटीशन जीतने आया हूँ। हाँ। तुम बस हाँ कर दो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर वालों को हम बाद में मना लेंगे, और हनीमून कहाँ मनाना है ये भी डिसाइड कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तैयार हो ना? क्या ख्याल है? नहीं ना। ये क्या कर रहे हो, खुद खाओ, मुझे क्यों खुला रहे हो? माफ करना भाई साहब, वो बोतल का ढक्कन खुला रह गया तो पानी आप पर गिर गया। ए, मुझे बेवकूफ समझ रखा है, पानी चिपचिपा थोड़े ना होता है।
ओहो, तब तो डबल सॉरी, शायद गुलाब जामुन खा रहे हैं, उसी का रस गिर गया है आप पर। ए, गुलाब जामुन खा रहे हो ना तो अपने मुंह में डालो, मेरे शर्ट को खिलाने की जरूरत नहीं है। मेरी शर्ट देखो। चलो अब छोड़ो इस बात को।